यस यस, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या होता है, हम लोग काम को कर रहे होते हैं लेकिन काम में काम नजर नहीं आता है। फॉर्मेलिटी, कितने लोग आईएमसी में फॉर्मेलिटी करने आए हैं? कैन यू सी मी? यस। कितने लोगों को लगता है कि यार ये आईएमसी जो है ना, ये मेरे से जबरदस्ती करवाया जा रहा है? कितने लोगों को लगता है? एनीबडीज? कोई है जिसको लग रहा है कि आईएमसी मेरे से जबरदस्ती कराया जा रहा है दबाव में? भाई वो बता दे, क्योंकि भाई वो रिजाइन मार सकता है क्योंकि हमारी कंपनी में ऑप्शन है। एनीबडीज? कोई है? अब किसको किसको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है आईएमसी में और मैं खुशी खुशी आईएमसी करता हूँ? यस सर, मैं ओके सर, वीडियो कहाँ है आपका? अभी सर थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। मैं अरे बाप रे, आप भी हैं? तो यस सर, जी, तो आईएमसी में मतलब इंटरेस्ट है? अच्छा, और लोगों को थोड़ा, क्योंकि हाँ आज मैं आपके काम में जो है ना शाइन लेकर के आने वाला हूँ, चमक लेकर के आने वाला हूँ। पप्पू जी आप तो बोल तो रहे हैं लेकिन आप मीटिंग में आते ही नहीं है। आप तो आज आए हैं, आप तो एक हफ्ते से गायब हैं। फिर आपको कैसे पता चला कि आप, मैं आईएमसी में इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज्यादा? क्योंकि तो जिनको इंटरेस्ट होता है वो तो टाइम टू टाइम मीटिंग्स को अटेंड करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, अपडेट्स डालते रहते हैं। तो किसको किसको आईएमसी में इंटरेस्टेड है? मैंने एक लोगों को देखा, दो, रेखा जी ने हमें कहा और रामकृपाल सर ने कहा, जयप्रकाश सोनी सर जी ने कहा। आईएमसी में इंटरेस्ट से कौन आया था? यस सर, इंटरेस्ट, यस सर, यस सर, मैं भी। ओके। हमारे साथ हैं दिनेश कुमार शाह जी, बहुत ग्रेट, वंडरफुल। और किसको किसको ऐसा लगता है कि उसको जबरदस्ती लाया गया इस बिजनेस में? सर जबरदस्ती वाले नहीं आएंगे, ओके, तो फिर बहुत लोग एक मीटिंग दो तो करेंगे इसके बाद बंद कर देंगे। सर, आज वैसे ही बहुत सारे कम लोग हैं जो भी हैं, कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज करते रहते हैं वही लोग ज्वाइन किए हैं, बाकी सब चले गए। राइट, तो चलिए, तो बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल ऑल ऑफ यू। एंड देखिए, आज आपके काम में कैसे शाइन लेकर के आने वाले हैं, वो क्या काम है जिस वजह से आपके काम में शाइन आएगा, वो क्या 9 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ जिससे आपके काम में शाइन आएगा। शाइन मतलब समझ रहे हैं, लाइट कहते हैं ना कि बहुत शाइनी, चमक। चमक। तो आपके काम में चमक लाने के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन सा एक, हाँ, साइन एट योर वर्क प्लेस। तो चलिए, मैं आपको शाइन लेकर के आने वाले टॉपिक को लेकर के आ गया हूँ। हमारे पास टॉपिक आ चुकी है ये। लोगों का आना जाना लगा रहेगा, हम लोग अपना कार्यकलाप चालू करें। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। आज मैं टीम वर्क, क्या है ये, शाइन एट योर वर्क प्लेस, टीम वर्क। टीम वर्क। अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग टीम वर्क के बेसिस पे। चलिए, सो ऑल ऑफ यू गुड आईएमसी, जितने लोग भी मेरे साथ आ चुके हैं, जितने भी एसोसिएट्स मेरे पास आ चुके हैं, और आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ इस हमारे ट्रेनिंग सेशन के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जितने भी लोग आज मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ये सब लोग आईएमसी से प्यार करते हैं और आईएमसी में बिजनेस करना चाहते हैं और आईएमसी को इंटरेस्ट से ज्वाइन किया है। बिना इंटरेस्ट के आईएमसी कोई नहीं, कोई भी काम बिना इंटरेस्ट के नहीं किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि आपको जो काम पसंद आए वो कीजिए, या तो जो कर रहे हैं उसको पसंद कीजिए। आ रही है बात समझ में? जो काम पसंद आए वो कीजिए, वरना जो कर रहे हैं उसको पसंद कीजिए। दूसरी खास बात, अगर जो कर रहे हैं उसको अगर आप पसंद कर रहे हैं, सर, उसमें आप देखिए कि ग्रोथ कितना है। हेलो, चलिए, तो आज के बाद सभी साइलेंट, अब हो जाऊंगा मैं वायलेंट।
तो मैं आप सभी के बीच में बहुत ही बेहतरीन सी चीज बताने वाला हूं कि मैंने क्या कहा, आप वो करें। ठीक है, हमारे साथ नीतू शर्मा जी के बेटे आए हैं, छोटो छोटे राम, बहुत अच्छा सा बच्चा है ये छोटो गुड़ा। और दूसरी खास बात कि आप वो कीजिए जो आपको पसंद है या जो कर रहे हैं उसको पसंद कीजिए, क्योंकि आपको काम तो करना पड़ेगा चाहे इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। आई बात समझ में? इंटरेस्ट हो चाहे ना हो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो इस चीज का बखूबी तरीके से ध्यान रखें कि जितने लोग भी एसोसिएट हमारे साथ हैं, आप लोग अगर काम को पसंद कर रहे हैं तो रेगुलर, चाहे आप गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, एक दो लोगों से तीन लोगों से अपने काम के बारे में जरूर डिस्कस करें। आ रही बात समझ में? अपने काम के बारे में लोगों से जरूर डिस्कस करें, एक लोगों से कम से कम बैठ करके डिस्कस तो कीजिए। उससे क्या रहेगा, आपका मोमेंटम बना रहेगा। अरे बात समझ में है ना? तो शाइन एट योर वर्क प्लेस, अपने जगह में शाइन कैसे लेकर के आए और अपना टीम वर्क को कैसे लीड करें। आप देख रहे हैं टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, तो प्रयास करें टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। आप जिस जगह पे वर्क करते हैं, जहां भी काम करते हैं, आप देखिए कि जिस बंदे के पास आप काम करें उसके पास टीम है। अकेले अगर आप काम करोगे तो आपकी जरूरत सिर्फ पूरी होगी माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अकेले काम करोगे तो अपनी जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा मकान, इससे ज्यादा नहीं है जरूरत, मुझे पता है। इससे ज्यादा अपनी जरूरत को हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इफ हम लोग अगर अपनी टीम बना करके काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, हमारे पेरेंट्स के, हमारे माँ बाप के सपने हम पूरे कर सकते हैं। तो मैं जो आज लेकर के आया हूं, तो मेरा यही कहना था, वो लाइन्स थी कि जो आप कर रहे हैं ठीक है, आप वो कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या जो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट डालिए। ठीक है, अगर आप आईएमसी को इंटरेस्ट से आए हैं इस बिजनेस के अंदर, तो आप रेगुलरली काम कीजिए। अगर आप मजबूरन आए हैं इस बिजनेस के अंदर, तो भी आप इसमें क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस डालिए, तो भी आप इसको पसंद कीजिए, क्योंकि बिना पसंद के कुछ नहीं होता है। आज की डेट में आप मुझे बताइए, पहले के जमाने में लोग पसंद नापसंद कुछ नहीं होता था, ऐसे ही अरेंज मैरिज ऐसे ही हो जाया करती थी घरों में, लोग क्या खुश नहीं रहते थे। लेकिन आज के डेट में पसंद करने के बावजूद, अपने चॉइस करने के बावजूद भी उनकी मैरिजेस टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पहले जो चीज उनके पास, क्या कहते हैं, उनके पास पहले चॉइस नहीं था। ठीक है, पहले चॉइस नहीं था, फिर भी वो खुश रहते थे उस चीज में। लेकिन आज हमारे पास चॉइसेस है, फिर भी हम दुखी रहते हैं। तो मैं आप सभी के बीच में लेकर के आ चुका हूँ उस चीज को, बहुत ही बेहतरीन सी टॉपिक को, जिसका नाम है शाइन एट योर वर्क प्लेस, अपने काम में चमक कैसे लेकर के आए, अपने काम में चमक कैसे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप जिस जगह पे हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, खुश हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन उस काम को, अपने काम को शाइन करने के लिए, जगह को चमकाने के लिए, आप जरा सोचिए कि उस दिन आपके चेहरे पे शाम के टाइम स्माइल उस दिन होती है जिस दिन आपने बहुत बढ़िया प्लान किया होता है। अगर आपने, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने बहुत ही बढ़िया सा प्लान आज से दो से तीन अगर आज प्लान आपने किया, तो रात को आप जब जाएंगे, बेड पे जाएंगे या अकेले बैठेंगे, तो आपको उस दिन खुद खुशी होगी कि यार आज मैंने तीन लोगों से मिला और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप पांच लोगों से या दो लोगों से, तीन लोगों से मिलोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग रिजेक्ट करें। एक बंदा ऐसा मिल जाएगा आपको दिन भर में जो आपके काम में इन्वॉल्व भी होगा और आपके काम में आपकी सपोर्ट भी करेगा और आपके बिजनेस में भी आपकी सपोर्ट करेगा, और वो आपको बहुत कुछ सिखा करके भी जाएगा। तो क्या है, आपने काम वही किया लेकिन उसमें शाइन आ गया। कैसे शाइन आ गया? क्योंकि आपने उस काम में इन्वॉल्वेशन दिया। हम लोग बैठ करके विचार कर रहे होते हैं कि यार कल जाऊंगा प्लान दिखाने, परसों जाऊंगा प्लान दिखाने, नरसों जाऊंगा प्लान दिखाने, और यही करते 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 हमारा समय निकल जाता है, हमारा समय निकल जाता है, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? सेयर्स, तो आपको क्या करना है, रेगुलरली आपको क्या करना है कि रेगुलर एक प्लान कम से कम दिखाना है। मैं बार बार बोलता हूं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप वॉट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, आपको अपना बिजनेस करना है। अपना बिजनेस करने, शाम के टाइम जब भी आप 8 बजे छूटते हैं, 9 बजे छूटते हैं अपने बिजनेस से,
मिस्टर नीतू शर्मा के बच्चे, सर आप बार बार छेड़खानी मत करो छोटा डॉन, मैं देख रहा हूं, ठीक है छेड़खानी ना करो, ठीक है। दूसरी खास बात कि जो भी आप, जो आपने दिन भर काम किया, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहां भी आप पढ़ाई कराए हैं, आते हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कम से कम शाम को जाते आते एक अपने सीनियर से या एक डाउनलाइन से मीटिंग जरूर करके सोइए, ठीक है। जब तक आपको ये काम करते नहीं हो ना, तो दिल को आपके तसल्ली नहीं पहुंचना चाहिए, आपको अंदर से नई चीजें होनी चाहिए। दूसरी खास बात है मैं बता दूं आपको, वर्क प्लेस इंक्लूड नॉट जस्ट अ कैबिन, ठीक है। वर्क प्लेस का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या उस जगह को वर्क प्लेस बनाए, वर्क प्लेस कोई भी हो सकता है, ये हमारा बिजनेस है। कहीं भी जिस जगह पे आप जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं, उस जगह में चमक लाइए, और प्लान दिखाते वक्त, प्रेजेंटेशन देते वक्त चेहरे पे स्माइल रखिए, लोगों से हंसी मजाक से बात कीजिए, लोगों को इन्वॉल्व करके रखिए, इन्वॉल्व मतलब समझ, कनेक्शन बना के रखिए, कुछ प्लान दिखाते दिखाते कुछ ऐसी बातें बोल दीजिए कि सामने वाला भी हंसना स्टार्ट कर दे, उसके चेहरे पे कुछ डायलॉग ऐसे मार दीजिए, कुछ लाइंस ऐसे बोल दीजिए कि वो सामने वाला बंदा आपके साथ कनेक्टेड हो जाए, इंटरकनेक्टेड, बिजनेस के साथ कनेक्टेड वो हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड आपके साथ हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं साइन एट योर वर्क प्लेस, अपने काम में शाइन आप लेकर के आ गए, सामने वाला बंदा जैसे स्माइल करता है, खुश होता है, आपसे इन्वॉल्व होता है, तो वही होता है अपने काम में इन्वॉल्व करना लोगों को। आ रही बात समझ में? से यस, ठीक है ना, आप लोग थम्स अप कर सकते हैं मुझे, और वर्चुअल में से यस ऐसे कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार हम लोग सब इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जब भी मीटिंग प्रेजेंटेशन प्लान करते हैं, अपने काम में शाइन तभी आएगा, चमक तभी आएगी, लाइंस तभी आएगा, जब प्लान दिखाते वक्त सामने वाले को आप इन्वॉल्व कर पाओगे, आप अपने अंदर इन्वॉल्व कर पाओगे उसको कि हाँ यार ये बंदा ना मेरे साथ लॉयल्टी बिल्ड करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में बहुत लेट से आते हैं, लेकिन जब लेट से आते हैं तो उनको ये लगना चाहिए कि यार ये जो बंदा है ना, ये बिजनेस ही नहीं, ये मेरे साथ फ्रेंडशिप भी रखता है, ये मेरे साथ दोस्ती भी रखता है, इसके साथ साथ मेरे साथ अच्छा रिलेशन बना करके रखता है। आप देखिए किसी भी दुकान में जब आप जाते हैं, तो दुकानदार से मान लीजिए कोई भी लेडीज है, साड़ी लेने जाती है, या कोई भी बंदा है जो कपड़ा लेने जाता है, एक दिखाता है दुकानदार, दो दिखाता है, तीन दिखाता है, चार दिखाता है, पांच दिखाता है, दस दिखा देता है, लेकिन लास्ट में आपको पसंद नहीं भी आता है, नहीं आता है, फिर आप वहां चले जाते हैं, दुकानदार क्या बोलता है, कभी गुस्सा होता है क्या? वो हाथ जोड़ के बोलता है, बहन जी, दीदी जी, भैया जी, फिर से आइएगा, वंस अगेन वेलकम, आपका दोबारा मैं स्वागत करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लोग, हमारे कस्टमर्स जो है भगवान है हमारे लिए, अगर वो नहीं है तो हम लोग क्यों एक आदमी को प्लान दिखाते हैं, दोबारा दिखाते हैं, तो उसके साथ दुश्मनी क्यों मोल ले लेते हैं? नहीं लेना है आपको। चेपू कस्टमर निकल जाते हैं जिनसे आपको दूरियां बना के रखनी है। चेपू, चेपू कस्टमर, समझ रहे हैं? भैया कम कर दीजिए ना, भैया फ्री में दे दीजिए ना, भैया भैया एक तो फ्री में दे दीजिए ना, भैया एक तो एक बार टेस्ट करने के लिए दे दीजिए ना, तो ऐसे चेपू कस्टमर से दूर रहिएगा थोड़ा सा। एक आध दो ऐसे निकल जाते हैं, है ना, एक आध तो ऐसे कस्टमर निकल जाते हैं चेपू टाइप के, तो उन चेपुओं से थोड़ा सा दूर रहिएगा। वो आपके साथ चिपकने की प्रयास करते हैं, लेकिन उनको आप दूर रखिएगा, ठीक है। वो चिपक जाएंगे ना तो फिर छोड़ेंगे नहीं आपको, बता दे रहा हूँ पहले। तो फ्री का खाने वाले कुछ मिल जाएंगे तो वो होते हैं चेपू लाइफ, चेपू टाइप के लोग, ठीक है ना। तो चेपू लोगों से थोड़ा दूर रहना है, एक दो मिल जाते हैं उनको दूर रखिए अपने आप से। और जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा है, जिनसे बात बहुत अच्छे से करते हैं, उनके साथ आप कनेक्शन बना के रखिए। वो आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग आप पे गौर, कभी तो दोबारा वो आपके साथ आएंगे जरूर, ठीक है ना। आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे कभी गौर कभी आप पे, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी तो आप पे, जब जब दोबारा उनकी नजर जाएगी, उनको लगेगा कि यार ये बंदा ना सच में मेरे ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, ये बंदा ना सच में मेरे लाइफ के बारे में सोच रहा है, ये बंदा सच में मेरे को राइट एडवाइस दे रहा है, तो वो बंदा आज नहीं तो कल आपके साथ बिल्कुल कनेक्टेड होगा और आपके साथ बिजनेस को बिल्ड करेगा। एम आई राइट? से यस, है ना। देर जरूर लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, कोई ये जॉब नहीं है कि आज किया आपको कल मिलेगा। यू हैव, आपको पता चला, पहला पॉइंट आपने लिख लिया, पहला पॉइंट आप सभी लोग, वर्क प्लेस, शाइन एट योर वर्क प्लेस, अपने जगह में चमक कैसे लाएं, अपने काम में चमक कैसे लाएं, पहला पॉइंट आपने लिख लिया। उस पॉइंट के अंदर भी एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत लोगों के पास है, एटीट्यूड बहुत लोगों के पास है, पैसे, किस चीज का घमंड है उनके पास, पैसे का एटीट्यूड है बहुत ज्यादा कि यार मेरे पास कितने की 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपए की जॉब पा जाते हैं और इतना एटीट्यूड बिल्ड बढ़ जाता है कि इनके इतना बड़ा तोप कोई नहीं है, आपको बता दूं, ठीक है, इनसे बड़ा तोप कोई नहीं है। 98% प्राइवेटाइजेशन है पूरे भारत के अंदर, सिर्फ 2% गवर्नमेंट सेक्टर बचा है। आप
आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ 2% आपको ना, ज्यादातर गवर्नमेंट टाइप की जो जो 50-60-70 हजार जॉब लगे थी, बड़ा एटीट्यूड में रहते हैं। आप उनसे देख लेना, किसी प्राइवेट वाले से मिले उससे ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि उसका आप देखना बिहेवियर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समय का आभास है, सब धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है उसको प्राइवेटाइजेशन, सबको पता चल जाएगा। ठीक है, लोगों को पता चलेगा कि क्या कहते हैं, बैठ करके खाने में और काम करके खाने में क्या फर्क है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। स्टे हैप्पी एट योर वर्क प्लेस, जिस जगह पे आप काम करें वहां पे खुश रहिए, स्माइल कीजिए, कीप स्माइलिंग एट पीपल, लोगों के साथ जो कनेक्टेड है आप उनके साथ हंसिए, खेलिए, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखिए। लुक टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड्स एवरीथिंग यू कैन अक्रॉस योर वर्क प्लेस, हमेशा पॉजिटिव, किसी भी कस्टमर का, किसी भी बिजनेस पार्टनर का हमेशा ट्राई कीजिए, उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको आप पर्सनली उसको शेयर करें, या एक दो दोस्त हैं जो पर्सनली है उनके साथ आप उनको बताएं कि यार ये तुम्हारी गलत क्वालिटीज हैं, आप उनके साथ उसको बताएं, लेकिन पॉजिटिव साइड्स हमेशा उसकी देखिए। जब 4 लोग 5 लोग 10 लोग उसके बीच में है तो उसके पॉजिटिव साइड्स को आप देखिए। आज आप जिस इंसान से भी सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, या जिस इंसान को अपने लाइफ में बुरा मानते हैं, ठीक है, आज आप लोग क्या कीजिएगा, एक लिस्ट बनाइएगा, जिस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, या जिस इंसान को आप सबसे बुरा मानते हैं, उस इंसान का क्या कीजिएगा, उसका नाम लिखिएगा एक पेज में, ठीक है, उस इंसान का नाम लिखिएगा, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी, उस इंसान का नाम लिखिएगा, और लिखिएगा एक साइड नेगेटिव पॉइंट, एक साइड लिखिएगा पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, आपको मैं बोल रहा हूँ, एक साइड लिखिएगा पॉजिटिव पॉइंट, एक साइड लिखिएगा लाइन बीच में खींच लीजिएगा एक पेज में, ठीक है, एक पेज में लाइन खींच लीजिएगा, एक साइड लिखिएगा पॉजिटिव पॉइंट, एक साइड लिखिएगा नेगेटिव पॉइंट। ये आपको मैं एक इंसान क्वालिटी बता रहा हूँ, ह्यूमन क्वालिटी को डेवलप करने की बात हो रही है। अगर आपने ये क्वालिटी डेवलप कर ली, लाइफ में कभी फेल नहीं हो पाओगे आप, रियली मैं बता रहा हूँ, कभी आपको कोई निराश नहीं कर पाएगा। फेलियर की तो अलग बात है, सक्सेस इज अ डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस एक रास्ता है। तो आपको क्या मिलेगा मालूम है, आप अपने लाइफ से खुश रहोगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक टाइप लिखना है पॉजिटिव पॉइंट, एक साइड लिखना है नेगेटिव पॉइंट। आप उस इंसान का नाम लिखना और उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज को लिखना कि कितना पॉइंट्स लिख लेते हो, और आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को लिखना। आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, खूब से खूब 1 या 2 निगेटिव पॉइंट्स निकलेगा, मैं बता रहा हूँ 10 से ऊपर आप पॉजिटिव पॉइंट निकाल पाओगे, 10 पॉजिटिव पॉइंट दिखेगा आपको अपने से, मैं बता रहा हूँ, आप खुद लिखोगे ये चीज। मैं आपको गारंटी दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप खुद इस चीज को लिखना आज कॉपी पेन में, और लिखना कि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो, जो इंसान आपके लिए सबसे ज्यादा निगेटिव है इस दुनिया में, उसके बारे में आप मुझे उसका पॉजिटिव पॉइंट लिखना और उसका नेगेटिव पॉइंट लिखना। मैं गारंटी से बोलता हूँ 2 से ऊपर आप नेगेटिव पॉइंट लिख नहीं पाओगे, और 10 से ऊपर पॉजिटिव पॉइंट लिख दोगे आप उसके बारे में। ये आप देख लेना, आज जितने लोग भी हैं, आज जितने लोग हैं, ये चीज लिख लीजिए आप, ठीक है, डायरी पेन में, कि आज जिस इंसान से आप जिस इंसान से नफरत करते हैं ना, उस इंसान के बारे में उसके एक पेज में लिखना, उसके बारे में सबसे ऊपर टॉपिक में लिखना, आप सबसे ऊपर में उसके नाम के बारे में लिखना, ठीक है, जयप्रकाश, जितने लोग भी हैं, जिस इंसान से आप लाइफ में नफरत करते हैं, उस इंसान का नाम लिखिएगा, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखिएगा एक साइड, और एक साइड पूरी नेगेटिव पॉइंट को। आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान के अंदर क्या खासियत है, उसके इंसान के अंदर नेगेटिव क्या है। तो मैं इसको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको 2 या 3 पॉइंट्स के ऊपर आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, 10 पॉइंट से ऊपर उसके, 10 पॉइंट से ज्यादा आप लिख देंगे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर, पॉजिटिव बातों के ऊपर, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ। ठीक है, 2-3 पॉइंट से नेगेटिव लेकर के हम बैठे रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट जब आप 10 लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, अलोंग द 10 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, आज हम इतना टॉपिक को कवर करेंगे ना, तो आप और नेक्स्ट टॉपिक को कल कवर करेंगे। ठीक है, ऑल्दो देयर आर द टाइम व्हेन यू माइट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, एक ऐसा समय आता है कि इंसान बहुत ज्यादा समस्याओं से सामना कर रहा होता है, किसी भी जगह पे, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जगह, जॉब हो चाहे बिजनेस हो, एक समय ऐसा आता है कि इंसान समस्याओं का सामना कर रहा होता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, मैं इस लाइन को बोल रहा हूँ। ठीक है, इंसान डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स को, मैं इसका हिंदी नहीं मिल पाया मुझे, ठीक है, बट देर शुड बी अ सम टाइम पॉजिटिव दैट यू शुड ऑलवेज कीप driven and motivated towards the responsibilities। एक वक्त आता है कि आप बहुत ज्यादा समस्याओं से सामना कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ समय ऐसा आता है जब आप कुछ पॉइंट पॉजिटिव चीजों को उसी काम में, कुछ पॉजिटिव चीजों को पकड़ करके अपने पास रख करके, और उसमें आप मोटिवेट होकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग। ये इंसान की अच्छी क्वालिटी होती है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इंसान की, कि इंसान को प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन उसी प्रॉब्लम से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पकड़ के,
इंसान को समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उसी समस्याओं में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को पकड़ के उससे मोटिवेट होकर के इंसान जब काम करता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमन क्वालिटी, उसी को बोलते हैं ह्यूमन क्वालिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमन क्वालिटी, ठीक है ना। अप्रोच ऑल द टास्क विद इन द ओपन माइंड, क्रिएट ऑरा अराउंड इन योर इन एंड यू शुड नोटिस द चेंज योर सेल्फ। देखिए ये चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अप्रोच द टास्क विद योर माइंड, आप अप्रोच हमेशा टास्क जो आपके सामने प्रॉब्लम से, जो आपके पास टास्क दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, उसको अप्रोच कीजिए, उसको बोलिए कि मेरे पास आए। टास्क हमेशा इनवाइट कीजिए कि यार मेरे पास ये प्रॉब्लम आए और ये काम मुझे मिले और इस काम को मैं करूंगा। एंड क्रिएट अराउंड योर ऑरा, आप अपना एक आप ऑरा क्रिएट कीजिए, मतलब कि अपना काम करने का दायरा बढ़ाइए, अपने काम करने का स्पेस बढ़ाइए, अपने काम करने का दायरा बढ़ाएंगे और अपने आप को चेंज करते हुए, ठीक है। आपको जब प्रॉब्लम्स आती है अपने दिमाग को ओपन कीजिए किसी भी काम को लेने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए अपने दिमाग को ओपन कीजिए और एक अपने साइड में क्या बनाइए, एक सर्किल बनाइए, एक ऑरा बनाइए और चेंज कीजिए अपने आप को उस काम को हैंडल करने के लिए। अपने आप को चेंज कीजिए हर वक्त कि हमें उस काम को हैंडल करने आना चाहिए। Am I right? Say yes. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सीक्रेट्स, कुछ बुक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग कुछ अपने आप को मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ बुक्स का, कुछ पॉजिटिव बुक्स को अपने पास रखें। आपको मैं बता दूं, लॉन्ग टर्म बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप 15 मिनट किताब को पढ़ना चालू कर दीजिए, कोई भी किताब पढ़िए। लॉन्ग टर्म अगर आपको मार्केट में टिकना, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं एक बुक अपने पास जरूर रखिए, कोई भी छोटी सी किताब या 25-50 रुपए की भी अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, कुछ स्टोरीज पढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल सफलतम लोगों की बहुत सारी कहानियां हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और टर्न द वर्ड्स फ्रॉम द आई कांट टू आई कैन, देखिए यहाँ पे लिखा है टर्न द वर्ड्स फ्रॉम द आई कांट टू आई कैन एंड सी द चेंज, कीप योर सेल्फ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड। आपको पता चला यहाँ पे, आप अपने शब्दों को चेंज कीजिए, यार मैं नहीं कर सकता, आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता, उसको चेंज कीजिए आई कैन, मैं कर सकता हूं। जहां पे आपको पॉइंट आ रहा है आई कांट, मैं नहीं कर सकता, वहीं पे आप चेंज कीजिए आई कैन, मैं कर सकता हूँ। और कैसे करना है? अपने माइंडसेट को चेंज करके। आप किसी अगर उसको सॉल्व नहीं करना नहीं आया तो अपने सीनियर से पूछिए, आप आपको पता चल जाएगा कि उस काम में कैसे चेंज लेकर के आए, ठीक है। आई कांट, मैं नहीं कर सकता, इसको छोड़ करके आप हटा दो टी को आई कैन, मैं कर सकता हूँ। कोई बच्चा बोलता है मम्मा मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आप उसको बोलो बच्चा ये कर सकते हो आप, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है ये ट्रेनिंग में मैं क्या पैदा होते ही ट्रेनिंग करना चालू कर दिया था? नहीं, लेकिन मेरे अंदर ये था कि मैं कुछ करूं, मैं ट्रेन करूं, मैं लोगों को सिखाऊं, मैं लोगों को बताऊं, मेरे को जो आता है मैं कम से कम वो सिखा पाऊं। तो मैंने उसको ऊपर प्रैक्टिस करना चालू किया, मैंने पूछा उन लोगों से जिनकी तरह मैं बनना चाहता था, तो उनसे मैंने जब पूछा, जो मैंने उनसे सीखा, अगर आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं, जिनसे आप जिनकी तरह बनना चाहते हैं, जिनकी तरह दिखना चाहते हैं, आप उनसे जब पूछोगे ही नहीं कि सर आप ऐसे कैसे बने और मेरे को भी बताइए कि मैं कैसे बनूं, तो कैसे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा मुझे आप जरा ये बताना। पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर, पॉसिबिलिटीज हर जगह है, संभावनाएं हर जगह है, बट आप करने की इच्छा तो करो, करने की चाहते तो लेकर के आओ, करने की जब चाहत लेकर के आओगे आप तो ऑटोमेटिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको लोग ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि मेरे साथ काम करना है। और आपके जिनके साथ आप सीखना चाहते हो उनसे आप पूछिए, 10 सवाल पूछिए कि सर मेरे को ये आप कैसे बोल लेते हो, आप कैसे, ओनली प्रैक्टिस। जब ये वीडियो नहीं रहता है फिर भी मैं बोल बोल करके वीडियो बनाता रहता हूँ बिकॉज मुझे आज नहीं तो कल कहीं पे जा करके अगर मेरे को कोई बोलने को बोल दिया तो मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकता। आई कांट, मेरे को पहले जब क्लास में कोई बुला देता था, नौवीं क्लास में मैं जब था तो मेरे को 9th-10th में मेरे को क्लास में जब बुला देते तो कोई टीचर कि आपको आकर के स्टेज पे बोलना है, प्रार्थना में आकर के प्रार्थना करवाना है, मैं सीट के नीचे भाग जाता था, मैं बाथरूम में जाके छिप जाता था। ये मेरा सच्चाई है, मैं आपको बता दूं, मैं बाथरूम में जाकर के छिप जाता था कि कोई मेरे को जान न ले, ठीक है। लेकिन एक वक्त आया कि मेरे को लगा, उस समय मेरे को ये नहीं पता था कि यार इसके पीछे क्या हो सकता है, मेरे को मतलब क्या कह सकते हैं उसके, मेरे अंदर कोई परसेप्शन नहीं था उस चीज को लेकर के कि यार पब्लिक स्पीकिंग में भी कुछ हो सकता है, स्टेज पे बोलने से कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, स्टेज पे बोलना सीखेंगे तो लोग तालियां बजाते हैं, वो बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो मुझे ये पता नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में जब ये चीज समझ में आई कि यार पब्लिक स्पीकिंग करने से, चार लोगों के सामने बोलने से आपको बहुत अच्छा रिगार्ड मिलता है, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, लोग आपसे ज्यादा जुड़ना पसंद करते हैं, देखते हैं कि यार ये बंदा बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत अच्छा काम कर लेता है, तो व्हाई नॉट टू वर्क विद देम, इसके साथ क्यों ना काम किया जाए।
तो उससे मेरे को जब बात समझ में आई ना, जब तक बात समझ में नहीं आती है, बात समझ में आने में टाइम लग जाता है। तो जो बंदा क्लास में बेंच के पीछे भाग करके छिप करके मैं बैठ जाता था, आज हम लोग के स्टेज पे बोलने का मौका दे दिया जाए तो एक एक घंटा दो दो घंटा हम लोग ऐसे ही, लेकिन क्वालिटी क्वालिटी कॉन्टेंट देना है। ऐसा नहीं कि लोग, कुछ लोग आते हैं भाषण देने लगते हैं, ठीक है, नेताओं की तरह नहीं करना है कि क्या कहते हैं स्कूल कॉलेज, स्कूल खुलवाया हमने, तबड़ा कोचिंग खुलवाया, खुलवाते खुलवाते नाली साफ करवाने तक आ जाते हैं। तो भाई साहब स्कूल तक से नाली तक आने की जरूरत क्या थी। तो ऐसे ऐसे लोगों को क्वालिटी कंटेंट हमेशा, जब भी आप बोलिए पहले तो ये सीखिए कि बोलना बोलना है, ठीक है, पहले तो ये सीखिए बोलना है, बोलने के साथ साथ लेकिन क्या बोलना है और कितना बोलना है, ठीक है, पहले ये सीखा आपने बोलना है, ठीक है, उसके बाद सीखा क्या बोलना है, उसके बाद सीखना कितना बोलना है। तीन टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग, पहले स्टार्ट करना है बोलना, कहीं भी कभी भी मौका मिलता है बोलना शुरू करो, सही है गलत है डजंट मैटर यार, यू हैव टू स्पीक योरसेल्फ, ये बिजनेस है बोलना, ठीक है, टेल यू मेक यू, आप बोलोगे तो बिकेगा प्रोडक्ट, बोलोगे तो बिजनेस बढ़ेगा। तो पहला स्टेप होना चाहिए बोलना है, ठीक है, दूसरा स्टेप होना चाहिए क्या बोलना है, तीसरा स्टेप होना चाहिए कितना बोलना है। बहुत लोग बोलना सीख जाते हैं लेकिन अपने ऊपर लिमिटेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है यार, इतना बोल करके निपट जाना है, किसी भी टॉपिक को लेंगे इतना खींच देंगे, इतना खींच देंगे सामने वाला सो जाएगा, नींद आ जाएगी उसको, लोरी सुना रहे ऐसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उस टॉपिक का को कोई सारांश ही नहीं निकलता है, इधर जा रहा हूँ मैं, इधर जा रहा हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आज हमने कुछ टॉपिक को कवर किया, पहला क्या करने हमने कवर किया पूरे टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, शाइन एट योर वर्क प्लेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड होना बहुत अच्छी बात है लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर, जब भी आपके सामने प्रॉब्लम्स हो उसमें अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, यार मेरे को ये करना है, आई हैव टू डू इट, मुझे ये करके और आगे निकल जाना है, ऑटोमेटिकली आपका काम मूव करने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपका काम होता है। मेरे को क्यों डिमोटिवेशन कभी नहीं आता है, क्या लगता है इस बिजनेस में आते मैं क्या लाखों रुपए कमाने लगा था, क्या मेरे पास लाखों लोगों की टीम आ गई थी, क्या लोग बहुत सारे लोग मेरे साथ आ गए थे, क्या मुझे बोलना आता था, जिस दोस्त को मैंने आज से 8-9 महीने पहले प्लान दिखाया था उसने मेरे को गाली देकर के निकाल दिया था, लेकिन मैं इस बिजनेस में टिका रहा, मैंने सुना, मैंने समझा, मैंने सीखा, मैंने समझने का प्रयास किया, फिर मैं 8-9 महीने बाद, मैं उसे 2-3 महीने बाद मैं फिर से उसके पास गया, मैंने उसको बताया कि यार बिजनेस में हम लोग इतना ग्रोथ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो बंदा बोला कि हाँ यार तेरे काम में सच में कुछ बदलाव आ रहा है, तेरे काम में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये पे मेरे साथ दिनेश जी हैं, मैं इनके पास एक बार गया, मैंने इनको दोनों बार इन्होंने रिजेक्ट किया मेरे को, 3 बार, लेकिन इनको लगा कि हाँ यार सर कहीं ना कहीं अच्छा काम है। मैंने इनको बताया कि शराब लेने लोग जाते हैं, दूध लेकर के लोग घर पे आते हैं, मैंने इनको ये बात को समझाने का प्रयास किया 2-3-4-5 बार, उनको बात समझ में आई। आज हर महीना 1000 बिजनेस वॉल्यूम मेरे बिना कहे ये कर देते हैं, कैसे बिजनेस को समझने में टाइम लग जाता है माय डियर फ्रेंड। देखो नेटवर्किंग में जुड़ना और नेटवर्किंग को जीना, नेटवर्किंग में जुड़ना और नेटवर्किंग को जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बार बार बोलता हूँ कोई भी काम को करो उसमें ग्रोथ लाओ, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हम 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर ओवर करेंगे आज। कल हम एक टॉपिक आज हमने कवर किया, क्या बोला मैंने, साइन एट योर वर्क प्लेस, अपने जगह में अपने काम में साइन कैसे लेकर के आए, लाइट कैसे लेकर के आए। पहला टॉपिक क्या किया, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के कुछ हमने पॉइंट्स को कवर किया। तो आज का सेशन यही पे ओवर होता है, कल हम 8 पॉइंट्स को और कवर करेंगे। क्या वो पॉइंट से आते ही सभी लोग साथ में, सभी लोग कनेक्टेड हो जाएं, लेट ना करें वरना कोई मतलब नहीं रहता। 7 बजे वी टाइम अपने टीम्स को। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय एंड सी यू लेटर, मिलते हैं कल, एंड गुड आई एम सी ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय सी यू लेटर। आकाश गुप्ता जी बाय बाय, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे, ओके, सो बाय बाय सी यू लेटर ऑल ऑफ यू लीडर्स, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग मेरे साथ रहिए और बने रहिए।